हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ आपको इस टेक्निकल वीडियो में कि तीन तार वाले जो पंखे होते हैं उसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं सीरीज बोर्ड से चेक कर रहा हूँ, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि इन तीन तारों से दो तार ऐसी कौन सी हैं जिसमें हमारा सीरीज का बल्ब बहुत धीमा जलेगा। तो इसमें तेज जल रहा है, इसमें धीमा जल रहा है, ये इसी में धीमा जल रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे ये जो धीमा जल रहा है, यही दो तारे ऐसी हैं जिसे हमें कंडेंसर में कनेक्ट करना है। दोनों तारों को, इन दोनों तारों को कंडेंसर में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारी एक तार पंखे की बचती है, एक तार में मेन तार कनेक्ट करेंगे और दूसरी तार में हम चेक करेंगे कि हमारा पंखा राइट किस में चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक में लेफ्ट पंखा चलेगा और एक में राइट पंखा चलेगा। इसमें राइट चलता है, वही हमारा पंखे का सीधा पंखा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये राइट कनेक्शन है हमारा। तो हम कंडेंसर के साथ जो हमने कनेक्ट करी है पंखे के बाहर, वो एक वो तार हो गई और एक तार पंखे जो बची थी वो हो गई। ये दोनों हमारी मेन तार हो गई और इसका हम कनेक्शन कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड जैसा कि जिसमें लेफ्ट कनेक्शन था वो तो हमने बीच में रन कर दिया और जिसमें राइट था वो साइड में जोड़ दिया और एक ऊपर जोड़ दिया पंखे की तार। ये दोनों हमारी तारें मेन हो गई और ये हमारा पंखा कंटिन्यू हो गया। ओके फ्रेंड्स, ऐसा ही कनेक्शन करना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।